हेलो फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 18 दिसंबर 2021 को 641 पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन वन पोस्ट के लिए 641 पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसका एग्ज़ाम अभी रिसेंटली 4 डेटों में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 28 फरवरी 2022 को, 2 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को होने वाला है। यहाँ पर इसका नोटिस देखिए, 14 फरवरी को निकाला गया था। ये 4 डेटों में एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड किया गया है, वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट यहां पर दिया हुआ है iari.res.in। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं। ये आप इसको लॉगिन यदि करिएगा वेबसाइट पर जा करके, तो ये आपका पहला इंटरफेस ऐसे खुलेगा, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें पर्सनल डिटेल जो भी आपने फॉर्म के फिलअप के समय इनपुट किया था, वो यहाँ पर डिटेल मिलेगा। उसके बाद सेकेंड यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन, ये हेल्प डेस्क का, इसका भी हम दिखाते हैं क्या है इसमें। और इस दरअसल इसे हेल्प डेस्क में आप यदि फॉर्म का जो एप्लीकेशन डाले थे और उसका एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है आपको, या फिर किसी तरह का मिसिंग है, पेमेंट संबंधी इशू हो गया है या फिर कुछ और, उन सब के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया था। और उसके बाद थर्ड नंबर आता है एडमिट कार्ड का। यहाँ पर एडमिट कार्ड का आप जैसे ही इस सेक्शन पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका एडमिट कार्ड शो करेगा, और ये आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका डिटेल देगा कि कहाँ पर एग्ज़ाम है। और डाउनलोड सेक्शन भी यहाँ पर रहेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। आप यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन सिक्वेंस नंबर होगा, उसके बाद कैंडिडेट का नाम होगा, सिक्वेंस नंबर, कैंडिडेट का नाम, नेशनलिटी, फादर नेम, मदर नेम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, किस कैटेगरी के हैं, ये सारा डिटेल आपको टोटल मिल जाएगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये फॉर्म फिलअप के करने के समय का ही ये डिटेल है। तो नेक्स्ट आप स्लाइड पर जैसे ही आप जाइएगा, जो कि हम बता रहे थे आपको एप्लीकेंट के लिए जो क्वेरी जो सेक्शन था, यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल दिया हेल्प डेस्क का। तो हेल्प डेस्क में यहाँ पर देख रहे हैं आप, यदि कोई क्वेरी था तो उसके लिए आप कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का कैटेगरी आपको का प्रॉब्लम हो रहा है, और प्रॉब्लम क्या उसको स्टेटमेंट आप इनपुट करिए, और प्रॉब्लम टाइप क्या है वो भी आप इनपुट करिए। उसके बाद उसके रिगार्डिंग आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप चूज करके अपलोड करिए, और अपलोड करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सबमिट बटन है, सबमिट करिए। उसके बाद उस पर कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट साइड पर आते हैं। एडमिट कार्ड का आपका जो इंटरफेस था, यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस है एडमिट कार्ड का। यहाँ पर देखिए, एडमिट कार्ड में आपको ये बताया जाता है कि कहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर आपको फ्रंट पर ही बता दे रहा है कि टेक्नीशियन वन का एग्ज़ाम है और आपका सेंटर यहाँ पर होगा एग्ज़ाम का। कब आपका एग्ज़ाम है ये भी आपको यहाँ पर डिटेल दे रहा है। एडमिट कार्ड यहाँ पर से आप क्लिक करिएगा, डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद में यहाँ पर आपका इस तरह का एडमिट कार्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर दिया रहेगा, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो डिटेल, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी नाम पता है ये सारे आपके डिटेल मिलेंगे, सब कुछ। और इसके बाद में आपको देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड संबंधी यहाँ पर दिया गया है कि एडमिट कार्ड के साथ में आपको क्या क्या ले जाना है, वहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है। आप वोटर आईडी कार्ड, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, या फिर पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड जिसमें फ़ोटो हो, या फिर बैंक के द्वारा जो भी प्रमाणित फ़ोटो के साथ में जो आपका पासबुक है वो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी प्राइवेट सेक्टर है या फिर निजी इकाई है उसके द्वारा भी यदि प्रमाणित फ़ोटो और आपका डिटेल हो जो कि एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए तो वो वैलिड होगा। या फिर आपको 10th क्लास का, SSC का, जो भी आपका 10th या फिर इंटरमीडिएट का जो भी आपको एडमिट कार्ड होगा जिस पे मतलब कि फ़ोटो होगा और आपका डिटेल होगा जो कि एडमिट कार्ड से मैच करे वो भी लाते हैं तो मान्य होगा। यदि आपके एडमिट कार्ड पर फ़ोटो नहीं है तो आप 2 पासपोर्ट आकार का फ़ोटो आप ले जाइए, और वो जो कि क्लियर दिखना चाहिए कि फ़ोटो आप ही का है, मैच करना चाहिए, और आपके जो भी एडमिट कार्ड है उससे आपका नाम मैच करना चाहिए तो वो आपका वैलिड होगा, ले जा सकते हैं, वही ले जाना भी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी यहाँ पर नोटिस दिया गया 4 नंबर में, देखिए कि आपको आधा घंटा पहले आपको एग्ज़ाम से पहले पहुँच जाना है,
नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पर जबकि ये मोबाइल फ़ोन का ये सब का बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है, मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ ये सब आप या फिर कोई भी मेटल आइटम आप यूज नहीं कर सकते एग्ज़ाम के दौरान में, हाथ में या फिर किसी भी तरह से जो भी ऑर्नामेंट हो आप उसको बाहर निकाल के जाइए। साथ ही साथ आप कहीं से भी एग्ज़ाम देने आते हैं तो आपके सामान के रख रखाव की जिम्मेदारी ये कृषि विभाग नहीं लेगा, वो आपको अरेंज करना है। और इस एग्ज़ाम में 100 प्रश्न होंगे जो कि बहुविकल्पिक होंगे और सब क्वेश्चन एक एक मार्क से होंगे और इसमें नेगेटिव की भी व्यवस्था है, 1/4 होगी, मतलब कि एक क्वेश्चन पर 0.25 क्वेश्चन अंक काटे जाएंगे, 1/4 इसमें नेगेटिव होगा। और इसमें दिया गया है कि 10 नंबर देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि आपको मूल प्रमाण पत्र तो वो पहले डिटेल दिया गया था, इसमें आप एग्ज़ाम जब होगा तो एग्ज़ाम के साथ में आपको एक रफ़ शीट दिया जाएगा, रफ़ शीट पर आपको रोल नंबर अपना और नाम ये सब डिटेल, एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम डेट ये सब सारा देना है डिटेल उस पर, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में वो आपको जमा कर देना होगा। यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 13 नंबर पॉइंट पर कि आपको 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा सेक्शन के लिए जो भी उसमें एग्ज़ाम के दौरान में, ताकि आप उसको अपने टाइम को अरेंज कर सकें अपने आप को। और ये एग्ज़ाम CBT होगा। एक सबसे बड़ा इसमें डिटेल आपको सबसे लास्ट पॉइंट पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर 17 नंबर देखें कि ये आप बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यदि इंग्लिश का सेक्शन है वो तो इंग्लिश में होगा ही पर हिंदी वाले जो सेक्शन है वो इंग्लिश में भी मिलेंगे आपको। और आपको एग्ज़ाम के समय में 19 नंबर पॉइंट आप देखिए, एग्ज़ाम के समय में आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा 10 मिनट पूर्व, 10 मिनट पूर्व आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए, और उसके बाद आप लॉगिन करिएगा। और लॉगिन के लिए आपको पहले भी यहाँ पर डेमो दिया गया है, यहाँ पर ये आपका वेबसाइट है www.iari.res.in। और दरअसल दोस्तों हम वीडियो ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसका डिटेल जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उससे आप लिंक फॉलो करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि एग्ज़ाम के बाद में आप अपना जो क्वेश्चन पेपर जो आप एग्ज़ाम में सॉल्व किए हैं उसमें कितना मार्क्स आपका आता है उसका सारा डिटेल आपको 5 दिन के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि 5 दिनों के बाद अपने व्यक्तिगत आंसर और अपने प्रतिक्रिया जो भी है आप वो वेबसाइट पर देख सकते हैं। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आपको 3 दिन के भीतर में आप इसका लिंक आपको दिया जाएगा और उसका आपको कंप्लेन दे सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम देने के बाद में दो दिन बाद आप अलर्ट रहिए और वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, 5 दिन के अंदर में आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा कि आपका रिजल्ट होने वाला है या नहीं। अमूमन पिछला रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 100 में यदि 70 क्वेश्चन आपने सही कर दिया कन्फर्म तो आपका रिजल्ट तय हो सकता है, और इससे यदि 70-75 से प्लस गए तो 100% आपका नियुक्ति तय है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके बाद एग्ज़ाम के बाद में, एग्ज़ाम का कैसा पैटर्न क्या रहा, क्या क्या एग्ज़ाम में आया, क्या उसका आंसर होगा संभावित, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक। और एक चीज़ और, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने का हम लिंक दे देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।